जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजय पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जीएम ने उद्यमियों से कहा कि वे अपने संस्थान में कार्यरत सभी श्रमिकों का कोविड वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का कवच है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से वृहद वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक गतिविधियां निरंतर संचालित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि उद्यमी अपने संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के ठहरने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें, ताकि उद्योग बंद ना होने पाए और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियां संचालित रहें। इस अवसर पर निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित आवेदन पत्रों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। 1 जनपद 1 उत्पाद के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि यह शासन की महत्वपूर्ण योजना है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। इस योजना के तहत रेडीमेड गारमेंट को विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्रवाई की जाए और जिन बैंकों में आवेदन पत्र लंबित हो उसका निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाए। जिलाधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्र में लाइट व्यवस्था, नालों की साफ सफाई व निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन आदि की व्यवस्था प्रमुखता के आधार पर करने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी एवं उद्यमी बंधु मौजूद रहे। सर हम चाहेंगे कि इस कोरोना महामारी में हमारे उद्योग के से कई लोगों को हम लोग खो दिए, तो हो जाएगा। तो पहले ही ये बताया यार, अभी तो कोविड का वो कोई परेशानी तो नहीं है कहीं किसी का, किसी तरह का वैक्सीनेशन हम लोग लगभग तो लगाए हैं। आपका कोशिश कर रहे हैं 1 जुलाई से हम लोग बहुत बेहद रूप से वैक्सीनेशन लगाएंगे। आशंका तो है अगस्त महीने में हो सकता है थर्ड वेव का। फिलहाल उत्तर प्रदेश में तो डेल्टा प्लस तो अभी फिलहाल आए नहीं है, बट आसपास जनपद में आ गया है। अब गोरखपुर में जो आने जाने का तो नहीं है, इसलिए हम जो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहें, सो दैट आगे कुछ होगा उस पर हम लोग बेहतर सामना करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको डॉक्टर से रिलेटिव सबको ये दायित्व बनता है उनका सुरक्षा करने की, इस पर कोई गलत कमी नहीं होना चाहिए था। बहुत लोग विवाद करते हैं, बहस करते हैं, उनको चुप कराइए, बता दीजिए। तो इसके अलावा कोई बचाने के साधन ही नहीं है दुनिया में, तो जाके लगा दें। इतने उम्र का हो सकता है बीपी शुगर किसका है, एक बार चेक करके डॉक्टर से पूछ के लगा दीजिए, बट 2 डोज जरूर लगा दीजिए सभी लोग। हम और कोई छूटे भी हुए हैं तो फिर हम स्पेशल कैंप 1 तारीख के बाद हम लगाने के लिए तैयार है। आप तो लेबर हित में और बाकी जो आपका जो कितने इंडस्ट्रियलिस्ट के भी छूटे हुए हैं उनका परिवार का उसको भी लगा दें, जरूर उसको कवर कर दें। सारे इंडस्ट्री का बार बार ये प्रॉब्लम आती है, ताकि लॉकडाउन सरकार तुरंत कर देती है, उसके बाद हम लोग को परेशानी हो जाएगी। थोड़ा आप लोग 1 साल के लिए थोड़ा सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, आप करा दीजिए, ताकि कुछ लेबर के लिए अंदर रखना पड़ेगा, कुछ मशीनरी का रिपेयरिंग इत्यादि का जो भी है व्यवस्था करना है वो करा दीजिए। लगभग तो 1.5 साल तो हम झेल ही रहे हैं, आगे हमें पता नहीं, इस साल तो ऐसे ही चलेगा लग रहा, और एक देश के लिए आशंका है। अब इसलिए तो बेहतर जो कंटिन्यूस प्रोसेस के कितने इंडस्ट्री है उसको आपने इंतजाम रखिए, आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई इसे बंद नहीं कर सकते। हम तो थोड़ा कोविड इक्यूप बना रहे हमारे इंडस्ट्री का, ताकि आगे सेफ्टी सिक्योरिटी कोविड प्रोटोकॉल में भी और बाकी लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी और लेबर इंटरेस्ट में ये तीनों दिशा में हमें काम करते हुए करना है। जो करना है, ये मान लीजिए मौके पे नहीं है, घर पे ही बैठ के कोई आदमी कर सकता है, उसको भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ेगा। पहले आप देखे होंगे जो लेबर लॉज में भी बहुत सारे संशोधन आ गया है, पहले वर्किंग एट होम का पढ़ना ही नहीं था,
उसको तो लॉ में अडॉप्ट कर दिया, लीगल स्टेटस दे दिया, यानी वर्किंग एट होम आदमी जरूरी नहीं फैक्ट्री में बैठ के काम करने के लिए तो फिर गिनती में आएगा, उधर में जाएंगे तो हम लोग सफलता मिलेगा हम लोग। बाकी जो कितने पॉइंट आपका है वो एक एक करके अभी सर हम लोग वैक्सीनेशन का काम अपने वीडियो में भी कराए थे, 3 दिन का शिविर लगा था सर, लेकिन सर उस समय सर एक दिक्कत थी कि 18 से 44 के एज के ही लोगों को लगनी थी। तो आपकी तरफ से एक सहयोग चाहिए, जो कोविड पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के एक दो कंप्यूटर ऑपरेटर हमें दे दीजिए, वहाँ डेटा मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसी पे OTP जाएगा, दूसरे डोज का रिमाइंडर, दूसरे डोज में OTP सारी चीज उसी मोबाइल पे आएगा, उससे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। हम तो फिलहाल हम कर रहे हैं, आपके तरफ से एक दो आदमी सहयोग में मिल जाएगा, अच्छा रहेगा।